sewage apparatus abhi hamare paas grease and oil traps. The sewage from the industries, hotel, restaurant, kitchen, etc. contain oil and greases. These must be removed before they enter in the sewer. So the oil and the grease trap are provided. A simple grease trap as shown in the figure 1.1 से देखो भाई, जो सीवेज होता है हमारा इंडस्ट्री से, होटल से, रेस्टोरेंट से, किचन से निकलता है ना बच्चों, उसके अंदर हमारा ऑयल और ग्रीस होता है, तो ये हमारे लिए नेसेसरी होता है कि उसको सीवर में एंटर करने से पहले ही रिमूव कर दिया जाए. ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास ऑयल और ग्रीस की ट्रैप्स लगाई जा सकती हैं, जिसे हम ग्रीस और ऑयल को क्या कर सकते हैं, रोक सके सीवर में एंटर होने से. तो एक डायग्राम है हमारे पास, ये ऐसे होती है बट्टे, सिंपल ग्रीस ट्रैप, ये कंक्रीट का बेस हो गया इसका. नीचे बॉटम से बात करूं, ठीक है, उसके दो साइडों में दीवारें हैं. ठीक है, ये हमारी ग्रीस एंड ऑयल को यहाँ पे इकट्ठा हुआ है. अगर इनलेट इधर आ रहा है तो यहाँ पे इसको रोक लिया हुआ है, उधर से ऑयल और ग्रीस ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे जो सीवेज था हमारा आगे की तरफ निकल गया, कास्ट आयरन के ऊपर कवर लगा हुआ है. ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि कहाँ पे लगाया जाए सीवर लाइन में. ठीक है, देखो ग्रीस ट्रैप को, ऑयल ट्रैप को हम प्रोवाइड करते हैं पाइप जहाँ पे कनेक्ट होता है हमारा किचन की विद सीवर लाइन के साथ. याद रखना क्वेश्चन अगर पूछे, छोटा क्वेश्चन, एक दो नंबर में कन्फ्यूजन होना है. देखो भाई, ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप, ऑयल तो ऑब्वियसली बात है किचन से निकलता है भाई हमारे, तो ठीक है, जो पाइप हमारा किचन से कनेक्टेड होता है हम इसको वहां पे लगाएंगे सीवर लाइन के साथ. उसके बाद ये लोकेटेड होता है जहां से हमारा सोर्स होता है, जहां से कंट्रीब्यूट हो रहा है ऑयल और ग्रीस ज्यादा निकल रहा है, जैसे ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप होगी, गार्डन्स हो गए, किचन हो गए, होटल के, ऑयल इंडस्ट्रीज होगी, ग्रीस इंडस्ट्री होगी, ऑब्वियसली बात है जहां से इनका मेन सोर्स है इसको वहीं पे लगा दो, ताकि वहीं से इसको रोका जाए. उसके बाद जो सीवर है वो आसानी से आगे फ्लो के चला जाए, और इसको क्लीन भी करना है. सबसे बड़ी बात ये है, इसको क्लीन भी करना है. अगर क्लीन नहीं करोगे तो एक दिन ये भर जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आपकी सीवर लाइन में इसको डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है प्रॉपर क्लीन करना है इसको. ठीक है, अब ये तो थी लोकेशन इसकी. अब इसके फंक्शंस की, फंक्शन क्या है इसके, देखो फंक्शन सी बात है, जब ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर रहे, देखो इससे हम सीवेज के अंदर से ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो एंटायर जो अंदर का सरफेस होता है चैनल का, या जो हमारे पाइप होते हैं उसके अंदर जो हमारा स्टिकनेस होती है वो रिमूव हो जाती है. ठीक है, और आसानी से विदाउट एनी मूवमेंट हमारा सीवेज फ्लो कर जाता है. उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करके हम रिमूव करते हैं ऑयल और ग्रीस को बिफोर एंटर इनटू द एंटर होने से पहले. ठीक है, नेक्स्ट है ऑयल और ग्रीस जो होता है वजन में हल्के होते हैं, लाइट इन वेट में, तो ये फ्लोट कर लेते हैं जो हमारा सरफेस होता है सीवेज का. तो इसको हम ड्रा कैसे करते हैं, निकालते हैं इसको लोअर लेवल से निकाला जाता है. ठीक है, तो अब बच्चों इसके एडवांटेजेस क्या है, ये जो हमारी सीवर की साइड होती है इसका, अगर हम इनको लगा देते हैं तो सीवर के साइड में ये चिपकेंगे नहीं. ठीक है, कैपेसिटी अगर चिपकेंगे नहीं तो बस ही बात है तो स्पेस नहीं लेंगे वहां पे, तो कैपेसिटी सीवेज की क्यों होगी, रिड्यूस नहीं होगी. उसके बाद जो प्रेजेंस होती है ऑयल एंड ग्रीस का, ये अफेक्ट करती है हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को. ठीक है, और उसके बाद जो सीवेज को, अगर ये बायोलॉजिकल केमिकल को, रिएक्शन को अफेक्ट करें, तो बस ये बात है कि जब हम सीवेज को ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रीटमेंट प्रोसेस में भी क्या करेंगे, डिफिकल्टी प्रोवाइड कर देंगे.